Hello everyone, welcome to my YouTube channel Learning Activities with RN, Only Learning Nothing Else. Today's our topic is Model Auto2. Auto2 के सारे कंसेप्ट देखेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं जरूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट एंड लर्न समथिंग न्यू। आज का हमारा मॉडल है Auto2, जिसका अर्थ होता है चाहिए। तो पहला कॉन्सेप्ट है कि Auto2 इज यूज्ड विथ द सेंस ऑफ मॉरल ऑब्लिगेशन, मॉरल ऑब्लिगेशन ऑब्लिक ड्यूटी, यानी नैतिक कर्तव्य या जिम्मेदारी के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए Auto2 का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस Auto2 प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट Auto2 V1 प्लस अदर वर्ड। और अगर सेंटेंस नेगेटिव बनाना हो तो Auto2 और टू के बीच में नोट लगाते हैं, Auto2 और टू के बीच में नोट लगाते हैं। एज एग्जाम्पल से देखिए, पहला एग्जाम्पल है कि वी Auto2 लव अवर कंट्री, वी Auto2 लव अवर कंट्री। दूसरा कि you Auto2 help your poor friends, यानी आपको अपने गरीब मित्रों की मदद करनी चाहिए और हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। तो Auto2 का प्रयोग जो है मॉरल ऑब्लिगेशन और ड्यूटी के लिए हम करते हैं। और ध्यान रहे, Auto2 के स्थान पर हम शुड का प्रयोग भी कर सकते हैं, यानी Auto2 और शुड का प्रयोग में समानता होती है, इसलिए हम जहां Auto2 का प्रयोग करते हैं वहां हम शुड का प्रयोग भी कर सकते हैं विदाउट एनी डिफरेंस। और अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो हम Auto के बाद में नोट लगाते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए कि स्टूडेंट्स Auto not to work hard, विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम नहीं करना चाहिए, हालांकि करना चाहिए, लेकिन मैंने आपको एग्जाम्पल देने के लिए जो नोट जो आपको लगाना है नेगेटिव सेंटेंस में वो Auto और टू के बीच में आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर टू। नंबर दो कॉन्सेप्ट है टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यानी प्रबल संभावना, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, प्रबल संभावना को अभिव्यक्त करने के लिए Auto2 का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस Auto2 प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, एक तो ये स्ट्रक्चर है और दूसरा है सब्जेक्ट प्लस Auto2 प्लस बी प्लस नाउन या अदर वर्ड। एज एग्जाम्पल से देखिए, पहला एग्जाम्पल कि सी Auto2 बी ए नर्स, वह एक नर्स होनी चाहिए, यानी ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वह एक नर्स होनी चाहिए। और आप ये स्टेटमेंट दे रहे हैं क्योंकि आपने कभी ना कभी उसको कहीं ना कहीं नर्स की यूनिफॉर्म में देखा है, इसलिए आप कह सकते हैं कि सी Auto2 बी ए नर्स, वो एक नर्स होनी चाहिए। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल देखिए, द फिल्म Auto2 be a
हिट वन, यानी ये फिल्म हिट होनी चाहिए। तो ये एग्जांपल है, मैं आपको स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रक्चर के माध्यम से सेंटेंस बनाने का प्रयास करें, और अगर आपको कोई डिफिकल्टी हो तो आप कमेंट करके पूछे। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर तीन। तीसरा कॉन्सेप्ट है टू गिव एडवाइस, टू गिव एडवाइस ऑटो टू इज यूज्ड, यानी सलाह देने के लिए ऑटो टू का प्रयोग करते हैं। है सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस स्ट्रक्चर सब सेम है, स्ट्रक्चर सब सेम है, सब्जेक्ट प्लस ऑटो टू प्लस वी वन प्लस अदर वर्ड। जैसे मैं कहूं आपको अंग्रेजी बोलनी चाहिए, यू ऑटो टू स्पीक, यू ऑटो टू स्पीक इंग्लिश, आपको अंग्रेजी बोलनी चाहिए, यू ऑटो टू गेट अप अर्ली, स्टूडेंट्स ऑटो टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, स्टूडेंट्स ऑटो टू गेट अप अर्ली, विद्यार्थियों को सुबह जल्दी उठना चाहिए, गेट अप अर्ली जल्दी उठना चाहिए। यू ऑटो टू स्पीक इंग्लिश, यू ऑटो टू रन, यू ऑटो टू प्ले, इस प्रकार के सेंटेंस हैं हम ऑटो टू का प्रयोग करके बनाते हैं फॉर गिविंग एडवाइस, सलाह देने के लिए। इसकी जगह आप यू कैन आल्सो यूज शुड, शुड का प्रयोग भी हम एडवाइस देने के लिए करते हैं, और शुड और ऑटो टू बिना किसी डिफरेंस के समान रूप से प्रयोग में लिए जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर चार, टू एक्सप्रेस पास्ट अप्लाइगेशन, टू एक्सप्रेस पास्ट अप्लाइगेशन। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस ऑटो टू प्लस हैव प्लस वी थ्री प्लस अदर वर्ब, सब्जेक्ट ऑटो टू हैव वी थ्री प्लस अदर वर्ब, ये स्ट्रक्चर है, इसके माध्यम से आप सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि यू ऑटो टू हैव, यू ऑटो टू हैव हेल्प हर, आपको उसकी मदद करनी चाहिए थी। और दूसरा सी ऑटो टू हैव, सी ऑटो टू हैव स्पोकन इंग्लिश, यू ऑटो टू हैव हेल्पड है, उसकी आपको उसकी मदद करनी चाहिए थी, और सी ऑटो टू हैव स्पोकन इंग्लिश, उसको अंग्रेजी बोलनी चाहिए थी। तो ये था कॉन्सेप्ट नंबर चार, और ऑटो टू के जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं चार, उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको अपने मित्रों और दोस्तों के साथ शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।